टुडे से व्हाट इज पीटी कैश बुक। आज हम देखेंगे जी पावर पॉइंट में कैसे हमने क्रिएट किया। सबसे पहले हम ब्लैंक लेआउट ले लेंगे और कौन सा ब्लैंक लेआउट, इसमें डिज़ाइन भी हमने अप्लाई किया हुआ है उसके मुताबिक जी हमें लेआउट दर्शाता है। जैसे हमने पहले वाला ले लिया टाइटल स्लाइड्स, यहाँ पे टाइटल स्लाइड टाइप करेंगे कौन सी चाहते हैं। जहाँ पे हमने जैसे पहले हमने दिखाया वेलकम लिखा और वेलकम लिखने के बाद इसे अलाइनमेंट किया, कहाँ रखना है, कैसे सेटिंग करनी है ये हम पहले सोचेंगे। उसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना चाहते हैं वो टाइप कर लेंगे। ये जो वीडियो है उनके लिए है जो टीचर हैं अपने बच्चों को लिखने का काम को समझाना चाहते हैं, वो पंजाबी मीडियम भी हो सकता है, इंग्लिश मीडियम भी हो सकता है, अदर लैंग्वेज भी हो सकती है। ऐसे लिखकर अलग अलग टॉपिक अपने स्टूडेंट को प्रोजेक्ट में समझा सकते हैं। जिसमें हमने अगला सेकंड लाइन लिखी है जैसे पिटी कैश दर्शाना चाहते हैं, ये अकाउंट का टॉपिक है। साथ में हम पावर पॉइंट भी बना रहे हैं टीचर के लिए वो कैसे दर्शाएं। तो हमने सेकंड पैराग्राफ भी टाइप कर लिया है। पिटी कैश क्या होता है आगे हम बताएंगे, पहले हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के बारे बात कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन हमने सेलेक्ट कर ली है और ऐड के इंट्रास्ट, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन एंटर करवाना है तो हम यहाँ पे लगाएंगे अपीयर। अपीयर लगाने के बाद थोड़ी सेटिंग होती है, जैसे माउस दिखाई देता है, इसे विद प्रीव्यूज करेंगे और इसकी टाइमिंग में जाएंगे, टाइमिंग में इसे इफ़ेक्ट लगाएंगे। कौन सा इफ़ेक्ट लाया, ये एट ऑल एट वंस होता है, यहाँ लगाएंगे। बाय लेटर भी लगा सकते हैं, बाय वर्ड मतलब जैसे वर्ड हम बोलते हैं ऐसे प्रकट हो, उसी तरह हम सेकंड लाइन में लगाएंगे एनिमेशन। सेकंड लाइन को भी सेम इसी तरह हम पहले से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ऐड इफेक्ट इंट्रास्ट अपीयर, अपीयर के बाद सेटिंग करेंगे विद प्रीव्यूज़ और उसके बाद हम करेंगे टाइमिंग में। यहाँ टाइमिंग ही देना है इसमें, यहाँ पे वैसे बाय लैड वर्ड करेंगे, टाइमिंग देंगे पहली लाइन कब एंटर हो तो सेकंड लाइन कब एंटर हो, ये थोड़ी सेटिंग होती है ये हमने करनी है। जैसे सेकंड लाइन की टाइमिंग में जाके इसे टाइम दे दिया हमने, पहली लाइन तो जीरो से स्टार्ट होगी, सेकेंड लाइन कब स्टार्ट होगी, दो में तीन में भी जितना लेटर को टाइमिंग चाहिए उसके हिसाब आप टेस्टिंग कर लेंगे। उसे देखेंगे हमारी दोनों लाइन को प्रेजेंटेशन लग चुका है। इसी तरह हम बाकी की स्लाइड लिखने वाला जो भी वर्क है जैसे हमने आगे लिखा है इसे भी सेम टू सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सेम टू सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे सेकंड जे पैराग्राफ है इसे भी उसी तरह जैसे हमने, और हम डायग्राम भी बना सकते हैं। ये डायग्राम पावर पॉइंट में कैसे बनाएं, स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट वर्क में कोई भी कैटेगरी के हम डायग्राम ले सकते हैं। जैसे हमारी टॉपिक के रिलेटेड जो डायग्राम है हमने बनाई, इस पर भी एनिमेशन आप जैसा चाहें लगा सकते हैं। और इसी तरह हम फोर्थ स्लाइड भी ऐसे ही लिखने की बनाएंगे। तो आगे देखेंगे आप समझेंगे पिटी कैश क्या होता है। टुडे से व्हाट इज़ पिटी कैश बुक, ये अकाउंट का टॉपिक है जिसमें हम समझेंगे पिटी कैश बुक्स आर स्मॉल कैश बुक्स विच रिकॉर्ड डे टू डे माइनर बिजनेस एक्सपेंसेस। इट मीन्स जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसका हिसाब किताब कैश, यदि ज़्यादा वर्क है तो वो पिटी कैश को दे सकता है। पिटी कैश ऐसे छोटे मोटे खर्चों को होल्ड करने वाले को हम पिटी कैशियर बोलते हैं। छोटे मोटे खर्चे जैसे रिक्शा रेंट हो गया, जो अचानक पड़ते इतने खर्चे होते कैश को, तो कुछ खर्चे पिटी कैश को दिए जाते हैं जो स्मॉल स्मॉल खर्चों को रिकॉर्ड एक तरफा रखता है। और ये इसमें सिस्टम क्या होता है, इसके अंडर कितने और वर्क होते हैं ये देखेंगे। पिटी कैश दरअसल दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्डिनरी एक मेन होता है और उसके अंडर इम्प्रेस्ड होता है। इन दोनों में क्या होता है, जो ऑर्डिनरी है वो क्या होता है, चीफ कैशियर होता है जो देता है कुछ सम अमाउंट पिटी कैशियर को, वो फिक्स टाइम के लिए होती है। जैसे उसे पता है कि वन मंथ में 5,000 खर्चा आ जाएगा या 10,000 खर्चा आ जाएगा, वो देता है। और इम्प्रेस्ड क्या करता है, जितने
स्मॉल छोटे खर्चे होते हैं उसका टोटल में जो रिमेनिंग बचता है वो उसे मेन को वापस कर देता है। उसके बाद इसी तरह 1/1 मंथ इन दोनों का खर्चा से दिया जाता है जितना।